हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिल्क और शाइनी हेयर कैसे बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही हेयर पैक बनाना बताऊंगी जो बालों को घना बनाने में बहुत ही इफेक्टिव है। इन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र हमारे फेस और बालों पर ही जाती है। घने और चमकीले बाल अगर छोटे भी हैं तो भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आपके किचन में ही मिलने वाले कुछ चीजों से आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो इसके साथ ही आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी देना होगा। तो ये जानते हैं हेयर पैक्स कैसे बनाने हैं। फर्स्ट टिप्स, प्याज। गिरे हुए बालों को फिर से उगाने में प्याज बहुत ही सहायक है क्योंकि इसमें सल्फर होता है। बालों को घना खूबसूरत बनाने के लिए प्याज का उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको एक चम्मच प्याज का रस लेना है और फिर उसमें एक चम्मच नारियल का तेल मिला लेना है। प्याज की गंध को कम करने के लिए आप इसमें खुशबू वाला कोई भी तेल मिला सकते हैं। इन चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए और फिर अपने बालों पर धीरे धीरे मसाज कीजिए। कुछ देर बाद बालों को धो लीजिए। हफ्ते में एक या दो बार इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो आपके बाल थिक और शाइनी हो जाएंगे और साथ ही डैंड्रफ भी दूर हो जाएगा। टिप नंबर टू, आलू का उपयोग। ये भी बालों की समस्या को दूर करता है। इसके लिए आप दो आलू को मिक्सर में डालकर उनका पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट में एक अंडा और एक चम्मच शहद डालकर के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आलू के इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगाकर अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए और लगभग एक घंटे के लिए अपने बालों को ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग एक घंटे के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में दो बार करेंगे तो आपको अपने बाल में बहुत ही चौंकाने वाले डिफरेंट दिखाई देंगे। इन हेयर पैक्स को यूज करें और बालों को थिक और शाइनी भी बनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।